हेलो एवरीवन, गुड 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 मॉर्निंग। तो चलिए अभी यहाँ मशीन मेरा लग गया, कपड़े चल रहे हैं और सुबह से ही आज कपड़े चल रहे हैं। पैक कपड़े मशीन है, और जल कपड़े ये निकले हैं अभी, इसमें सूखने वाले में डाले हैं। तो सारा सिस्टम सुबह से जब से उठते हैं के बाद बस काम ही काम नज़र आते हैं, तो सारे काम पे लग जाती हूँ। और इस समय भी मैं खा रही हूँ पोहा और चाय करूँगी। ये चाय है, थोड़ी सी मलाई डालते हैं तो इसलिए इस तरीके से लग रहा है, इसमें मलाई पड़ी हुई है। और ये है पोहा, बाबू का दूध रखा हुआ, बट अभी मैं बाबू पर गया है, मैं पोहा चाय। ज़रूरी नहीं कि हम कब से चाय पिए, गिलास से भी पी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं हर चीज़ का मजा लेती हूँ। तो अभी झाड़ू करना, बर्तन का काम हो गया, मैं दिखा देती हूँ। अभी बर्तन सारा धुला के रखा गया है, बट अभी बेसिन मेरा जो सिंक है ये नहीं साफ है, इधर टाइल्स वगैरह सारे धुलने हैं, थोड़े से ये सब काम करना है, चूल्हा वाला ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा करना है। इसको करने के बाद किचन अभी हुआ है, मैं गंदा गंदा ये देखिए पूरे। तो अभी किचन का, और देखिए मेरी किचन में सिलबट्टा भी है। तो अभी इस नाश्ता करने के बाद आज मैं पोहा, मैं नाश्ता तो ऐसे डेली नहीं करती हूँ लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ। पोहा बनाई थी बेटी के लंच ले जाने के लिए, तो मैं भी सोची चलो लंच मैं भी पोहा और चाय कर लेती हूँ। पोहा काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसलिए, और पोछा मरना है, मौसम आज गड़बड़ फिर से हो रहा है, बदरी होगा, धूप होगा, क्या होगा कुछ नहीं समझ में आए। तो पहले मैं सारा नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और आज मैंने खाना क्या बनाया है वो भी बता रही हूँ। निमोना बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ, रोटी बनाई हूँ, कलौजी बनाई हूँ, तो इतनी चीज़ें नहीं। हाँ, और साग था, मैंने भूल गया, रात को रात का साग बचा हुआ था, क्योंकि पापा जी को मेरी साग काफ़ी ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा पसंद है, हद से भी ज़्यादा। अगर डेली साग दे दिया जाए तो डेली वो साग ही साग खाएंगे, कभी नहीं खाते ही हैं, डेली खाते हैं, और कभी भी नहीं कहेंगे मैं साग नहीं खाऊँगा। और मुझे ये खिलाती हूँ डेली, उनको पसंद है भाई तो वो खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अभी मैं चली हूँ काम के लिए, तो फटाफट पहले मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरा काम जो स्टार्टिंग था, तो सुबह का मॉर्निंग से ही सुबह 7:30-8 बजे मैं लगा दी थी, मशीन चालू कर दी थी, बट यहाँ बजे हैं 10:30-11 और मशीन चला, बहुत ढेर सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि थर्सडे था तो मैं धुली नहीं थी परसों, इस वजह से नहीं धुली थी, बस ऐसे मन नहीं कर रहा था, इसकी वजह से मैं कोई भी डे का इधर उधर नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर करना हो तो पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से फॉलो करो नियम को, नहीं तो फॉलो मत करिए, जो भी चीज़ें फॉलो ही मत करिए, अगर करना हो तो ढंग से करिए। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ कि थर्सडे है तो आज नहीं करूँगी कल करूँगी, ये चीज़ें नहीं। हाँ, बट मेरा मन नहीं कर रहा था तो मैं नहीं धुली थी, तो बहुत ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो वही सब लगाई हूँ मशीन, और खाना का काम हो गया तो पहले मैं कपड़ा इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि सामने से पैंट वेंट भी दिखाई दे रहा ना, तो चलिए कोई बात नहीं, वहाँ पे पड़े हैं छोटे से डारे, वहाँ ग्लास पट्टी है उससे आती है हवा, धूप आती है तो वहाँ सूख जाते हैं जो नीचे छोटे छोटे कपड़े होते हैं, नहीं ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं फास्टिंग कर देती हूँ, फिर यहाँ पर सारे कपड़े निकाली हूँ और इसलिए धुलती हूँ कि पहले जब कपड़े धुल के हटा लेती हूँ सारा, तो होता है कि हमारा यहाँ पे पानी पानी नहीं होता, नहीं फिर पोछा झाड़ू जब मैं कर लूँगी तो फिर यहाँ पे पानी पानी होगा अगर मैं कपड़े बाद में धोऊँगी, इसीलिए मैं पहले कपड़े धोती हूँ। सारा कपड़ा मैं पहले छत पे, थोड़ा सा और कपड़ा बाकी था, पहले मैं सारे कपड़े कुछ दे भेज दी थी बच्चों से, और कुछ कपड़े थे तो मैं लेके गई हूँ, अभी कुछ कपड़े हैं जो चल रहे हैं मशीन में, तो मैं पहले अब यहाँ पे सारे कपड़े हटाऊँगी। कपड़े हटाने के बाद कमरे का जितने बच्चे क्योंकि पढ़ रहे थे तो ऐसे ही कमल उमल उधर रूम में देखे पड़ा हुआ है, रख के चले गए हैं, तो अब सब मैं फोल्ड करूँगी हटाऊँगी। सारा सिस्टम पूरा दिन ऐसे ही भागम भाग 2:30 बजे तक चलता है, तो यहाँ पर मैं देखे आ गई हूँ कुछ सामान लेने, तो इसे लेके जा रही हूँ क्योंकि कभी कभी होता है ना कि बहुत ही जल्दबाजी में, इसीलिए मैं जो दोपहर का रूटीन होता है वीडियो मेरा नहीं बन पाता, जो आप लोग सोचते होंगे कि नहीं बस ये सुबह शाम का ब्लॉग ही डालती हैं। तो ये देखिए मेरा मोप है जो मंगाई थी फ्लिपकार्ट से मिल्टन का, तो इससे मैं पोछा मारती हूँ, बट होता क्या कि मेरा मन ना इससे भी मानता नहीं है, तो जब 2-4 दिन होते हैं तो या तो मैं हाथ से बैठ के पोछा मारती हूँ, और रूम में तो ऐसे नहीं डेली धुलती हूँ, लेकिन हाँ आज मैं यहाँ पे लॉबी जो मेरी है इस जगह पे
कमरे में तो मैं पोछा मार दे रही हूँ, दो तीन रूम है, तीनों रूम का। बट यहाँ पे जो है तो मैं यहाँ सर्फ से हाथ डाल के सर्फ और पानी से अच्छे तरीके से पूरा रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी, क्योंकि इसे ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा। सबसे ज़्यादा लॉबी में ही लोग रहते हैं, तो वहाँ पैर पैर और वाइट पे तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो हाँ, मैं इस तरीके से बस अब इसे हटाऊंगी मुँह पोला पोछा। अब मैं चलूंगी सर्फ, ये बाल्टी जो रखी हुई डस्टबिन, इसमें सर्फ घोल के रख चुकी हूँ। तो यहाँ छोटी बेटी का क्लास कराना था, उसे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, बच्चे हैं, कभी कभी होता है नेटवर्क प्रॉब्लम, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। तो मुझे ला के दी, मम्मा आप इसे ज्वाइन कर दीजिए मेरा क्लास, तो मैं करूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ये भी हमें काम के साथ देखना, बच्चे क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा, ज्वाइन कर रहे कि नहीं, सारे टाइम इस तरीके से करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उसका ज्वाइनिंग करवा रही हूँ, ज्वाइन हो जाता है तो फिर उसे मैं दे दूँगी। इसी तरीके से मेरा काम लेट हो जाता है, क्योंकि कभी इधर का काम, कभी उधर का काम, कई काम होते हैं, तो इसीलिए दिमाग दौड़ते रहते हैं कि हाँ किसी को खाना चाहिए, तो किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को ये चाहिए, पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक ऐसे ही रूटीन बना रहता है। तो अभी ये रूटीन जो मेरा चला है, ये दोपहर 2-2:30 बजे तक चलेगा सारा सिस्टम। उसके बाद चलिए अब मैं धुलाई करने स्टार्ट, इसको हटाऊँगी मोप का पोछा, इसे ले जाके पार्किंग एरिया में रखूँगी, क्योंकि पार्किंग एरिया भी हमें पोछना ही, साफ़ करना डेली मैं करती हूँ वहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो गंदा गंदा सा हो जाता है, तो मुझे नहीं पसंद। डेली का डेली मैं पार्किंग एरिया भी अपना साफ़ करती हूँ। तो ये पावदान जो है, विंटर है इसलिए ठंडक के लिए पावदान जरूरी रहता है। तो दो पावदान है, एक उधर वो है उनका है और वो रेडीमेड वाला है। तो उन वाला में क्या है कि आराम से बैठ के हम लोग, कभी कुछ है साग है वो है नीचे बैठ के आराम से कर सकती है, उस पावदान पे है तो पैर साफ के लिए है। तो क्योंकि ये बाथरूम का स्लीपर भी इधर आ गया, क्योंकि बाथरूम के साइड में भी मैं साफ कर रही थी, अब इधर मैं सर्फ ला के बाल्टी में डाल देती हूँ। अब इसे घोल बनाऊंगी और घोल बना के और ऊपर से सीख वाला झाड़ू लेके आऊँगी और बहुत अच्छे तरीके से आज मैं इसे साफ़ करूँगी, किचन के साइड से लेके ये लॉबी में, लॉबी इतना है, लॉबी और किचन सारा इस सिस्टम को साफ़ करते हुए तभी साफ़ होगा। तो चलिए ये देखिए, अब मैं यहाँ पे मिला लेती हूँ और चलती हूँ, अब सारा झाड़ू से साफ़ करती हूँ। और मेरा ये मजा ले रहे थे कि तुम्हारे तो बेवकूफ़ हो पति देह बेरहम हो जाते हैं, मैं रगड़ रगड़ के धुल रही थी, मेरे हाथ में पेन होने लगा, मैं बोली कितना मेरे हाथ में पेन हो रहा है, तो कह रहे हैं तुम तो मूर्ख हो जो ऐसे कर रही हो, मज़ा ले रहे थे मुरा मुझे बोल बोल के। तो यहाँ पे देखे इस तरीके से मैं किचन के साइड में पूरा रगड़ के साफ़ करके लेती जा रही हूँ, उधर ही नाली है, नाली के ही पैर पे, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। फिर इनसे बोलूँगी कि ये पानी बाल्टी के लाएँ, क्योंकि जो बड़ी वाली बाल्टी होती है उससे पानी लाना मुश्किल होता है हमारे लिए, और ये रहते तो ये देखिए रगड़ रगड़ के आज तो पूरा घर ही क्लीन कर दूँगी। ये कह रहे थे कि तुम बने हुए चीज़ को बिगाड़ रही हो ये बहुत गंदे इंसान है, बेरहम। हाँ मूर्ख है, हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। हाँ इतना काला काला देखिए हो रहा है, तो यहाँ पे ये हैं तो ऐसे हैं बेरहम पति। मैं इन्हें बोल रही थी कि मैं इतना रगड़ रगड़ साफ कर रही हूँ, आपको मेरी थोड़ी सी चिंता मेरे ऊपर नहीं हो रही है, तो कह रहे हैं तुम बेवकूफ़ हो, बने हुए चीज़ को बिगाड़ती हो तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ बेरहम पति आज तो हमें बेवकूफ़ बना ही दिए। तो यहाँ पे पानी ला के रख दिए, नहीं चिंता करते हैं, मुझे पानी बाल्टी का नहीं लाने देते हैं, क्योंकि इसे उठाने से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम। तो गाइस अभी को शाम को मिला है हमें टाइम, समय 6:00 और अभी वीडियो अपडेट भी करना है इसे, तो अभी मुझे टाइम ही मिला, तो मैं चलिए अभी आप लोग से सुबह थोड़ा सा बात हुई थी फिर नहीं हुई थी, अब मैं फटाफट चलती हूँ। ये ढेर सारे कपड़े मैं लेके आ गई हूँ जो धुली थी सारा, उसको लेके आ गई हूँ, अब चल रही हूँ इसे फोल्ड करूँगी रखूँगी। और वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो मुझे याद आया एडिटिंग करना था, तो मुझे याद आया कि अरे मैंने तो बातें भी नहीं की, तो यही सब चीज़ें था। तो मेरा दिन जब सुबह 10 बजे के बाद से, 10:30 बजे के बाद से लेके दोपहर 2-2:30 बजे तक कंटिन्यू यही रूटीन मेरा रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन काम ये वो सारा सिस्टम 2:30 बजे तक रहता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है।
तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं ज़्यादा बातें करना चाहती हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर जो कर दीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के साथ शेयर होते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।